नमस्कार दोस्तों, ओवर इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। देश इस वक्त ओलंपिक में भारतीय दल द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन पर गर्व कर रहा है। साथ ही ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों की आवाभगत में भी लगा हुआ है। खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों रुपए के इनामों की बारिश हो रही है, नौकरियां भी बांटी जा रही हैं। लेकिन इस बीच देश का एक वो चेहरा भी है जहां आज भी कई खिलाड़ी एक अदद नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनमें भी अगर पैरा खिलाड़ी है तो फिर कहा ही क्या जाए। ऐसा ही एक खिलाड़ी का नाम है मलिका हांडा। आप इनकी उपलब्धियां सुनकर दंग रह जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 7 बार की नेशनल चैंपियन। अगर किसी खिलाड़ी ने अपने खेल में इतनी सारी उपलब्धियां पाई होंगी तो बिना बताए ही उस खिलाड़ी का नाम पता चल जाना चाहिए। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि मलिका हांडा का नाम तक लोग नहीं जानते हैं। दरअसल मलिका भारत की डेफ चेस प्लेयर है। मलिका बोलने सुनने में असमर्थ खिलाड़ी हैं। मलिका ने देश के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर ढेर सारे खिताब जीते हैं, लेकिन उन्हें कभी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। मलिका लंबे वक्त से पंजाब सरकार से नौकरी, कोच और प्रोत्साहन राशि की गुहार लगा रही है, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर आज तक नहीं पड़ा है। मेन हमें अपनी सरकार से आ रही, अपनी सेंटर ने तो इसको पहचान दे दी, इसके जो मेडल्स हैं जो भी हैं सेंटर ने पहचान दे दी, लेकिन अपनी जो अपने अपने पंजाब की सरकार जो है उधर से अभी इसको कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिला है, कोई इसको कैश अवार्ड नहीं अभी तक मिला जैसे कि और प्लेयर्स को मिलता है। कोई कैश अवार्ड नहीं है, कोई इसको अवार्ड्स नहीं मिले और ना ही इसको अभी तक कोई जॉब मिली है, जबकि मलिका ने ग्रेजुएशन अपनी कर ली है। मेरी पंजाब सरकार से यही अपील है कि इसके आप प्लीज़ मेडल्स को देखिए, क्या इसके गोल्ड मेडल कुछ नहीं बोल रहे, सिल्वर मेडल कुछ नहीं बोल रहे, ये वर्ल्ड में जीते हुए हैं, एशिया में जीते हुए हैं, क्या बच्चे का कोई राइट ही नहीं बनता अपनी पंजाब सरकार से, क्या उसका जॉब का कोई राइट नहीं है, उसका कोई कैश अवार्ड का कोई राइट नहीं है कि जो अपनी वो गेम को आगे कंटिन्यू रख सके। वर्ल्ड लेवल में जाना है तो वहाँ पर हमें कोचिंग भी चाहिए और अपनी गवर्नमेंट की प्रॉपर सपोर्ट भी चाहिए, जो मलिका के पास कुछ भी नहीं है। पंजाब के जालंधर की रहने वाली मलिका ने पिछले 2 दिन में आधा दर्जन ट्वीट किए और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने लिखा, मैं नेशनल अवार्डी हूँ, मेरे अचीवमेंट 6 मेडल हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 सिल्वर, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 सिल्वर, ओलंपियाड में 2 बार हिस्सा लिया, 7 बार नेशनल चैंपियन रही, लेकिन फिर भी मुझे सरकार की तरफ से ना तो कोई नौकरी मिली है और ना ही कोई मदद, यहां तक कि मेरे पास कोच तक नहीं है। ये सिर्फ मलिका की कहानी नहीं है, ऐसे कई और खिलाड़ी हैं जो देश के किसी कोने में देश के लिए बहुत कुछ करने के बाद भी एक अदद नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये अच्छा है कि ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।